ना किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है और ना ही फेस सेविंग पॉलिसी पर कार्बन। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपनी 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। नैब ने 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, वो रियासत के मुलाजिम हैं। नैब की पॉलिसी फेस को नहीं केस को देखने की है। नैब एलामी में कहा गया है कि 2018 की नस्बत 2019 में करप्शन की ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है। 3000 शिकायत कुनिंदगान खुली कचहरी में खुद चेयरमैन नैब से मिल चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 2 साल के दौरान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 इजलास बुलाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नैब का दरायकार मुल्क के कोने कोने में फैलाया जा चुका है। तमाम इंक्वायरियां इन्वेस्टिगेशंस कानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल की जा रही हैं। एलामी में कहा गया है कि चेयरमैन नैब की इस दादे बदउनवाने की हिकमत अमली को मौसर तरीन हिकमत अमली के तौर पर तस्लीम किया गया है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान उठाए गए इकदाम के बायस नैब आज एक मुतहरिक इदारा बन चुका है। पूरी कौम की करप्शन के खात्मे के लिए नजरें नैब पर है।